नमस्कार ममता किचन रु आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम कांकड़ आलुर झोल या झोल आपण एमती भाव तैयारी करेंगे। गरम भात सांगे खावाक बहुत भल लगे। तेज चलत देखने आज रेसीपी जदि रेसीपी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे। पाखे बेल बटन को क्लिक करेंगे। फेसबुक पेज जब आपने देखु फॉलो करेंगे। तेज चलत देखने आज रेसीपी तापी मुझे जो कांकड़ आलुर जो तरकारीटा करी तापी मुझे कांकड़ नहीं कांकड़ अधा किलो आलु अधा किलो एमती मुझे सात मिनिट खंडे एमती पानी रे स्टीम करी कांकड़ आलु प्याज रसुण अदा तक आम स्टीम कर सात मिनिट रु दस मिनिट पर्यंत स्टीम करदेबा। से लंका पकेबा आ टमाटोटा मुझे अलग तक स्टीम करी तो गैस ऑन करदे गैस ऑन करदे ढाकी देवा। एपटे गोटे मसला प्रस्तुत करवा मसलापाई ना जीरा पाउडर अधा चमच धनिया पाउडर आपड़ अधा चमच टी बेसी ने कि गोटे चमच ने हलदी आ लुण ताको भल भाव टी अल्प टे पा दे कि गोल कि गोटे पेस्ट करके रखा। तापर देखु दस मिनट पर आमर कांकड़ सीझी जा प्राय देखिए आपत कांकड़ तरकारी करेंगे कांकड़ सीझाक बहुत टाइम लगी था तो एपरी भाव में आपड़ करेंगे कांकड़ बहुत शीघ्र तरकारी हो बहुत शीघ्र सीझीज आ मसला भी बेसी टाइम कसा पड़े तो ये अदा रसुण लंका प्याज सब को मुझे ग्राइंड करदेवि तो टमाटर भी मुझे सीझे अलग जगार सीझे ग्राइंड करदेवि तो ये मुझे देख पारे कि अलग जगार मुझे सीझे ग्राइंड करदे। प्रथम से जो आलू को आम कांकड़ को एमती लंबा लंबा करी काटी दबा, काटी की भल भाव तेल ताको भाजी दबा। तेमती आमको सीझेला भाया मानने पाणचिया भाया लगभग भल भाव कषिदेट मुझे बहुत भल भाव कषिदेवि और तेल देकी कांकड़ा और आलू को देखते बहुत भल भाव भाजी जा तापरे कड़ई रे से कड़ई रे तेल दबा सोरस तेल मुझे आप रिफाइन तेल यदि खाऊँ रिफाइन तेल भी करेंगे कि सोरस तेल रे टेस्ट बहुत भल आस फुटण खंडे डालचीनी लवंग दु चार आउ गोटे गुजराती देदेवि तेजपत्र देदे हलदी तापर जो मसला पेस्ट करके आम रखी से मसला पेस्ट को देखिए भल भाव कषा बेसी टाइम भी ये कषा आवश्यक ना कारण बहुत मसला को जो प्याज रसुण अदा आ लंका भल भाव सीझाई से टाइम किसी बेस लगे तापर से गुंड मसला पेस्ट को आम देदे भल कि कषा एमती आप करूँ गरम गरम भात सांगे आपन को आ कि भी लगभग खावापी देखो ये मसला मुझे बहुत भल भाव कषि तापर टमाटर प्यूरी देदेवि जोटा कि मुझे सीझे प्यूरी करके रखी काश्मीर रेड चिली पाउडर देदेवि कलर पर तो देखो मसला बहुत भल भाव कषिगला मुझा तक देदेवि तापर भल कि आउ गोटे मिनिट तक भल कि मिसेक आम पा ढाद आशा कर रेसीपी भल लगे जदि रेसीपी भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर आ कमेंट करने को भूलबे आठ मुझे पा ढादी देखता आपन जी रसा टाइप तैयारी करेंगे तेल कम पा देते जी आप झोल तैयारी करेंगे तेल टिके पा देते ये मुझे झोल तैयारी करी जेहेतु से पा देपर आम ढाकी दबा तो देखो तरकारी ये हो
बहुत भल भाव भी सीझी जाइए जेहेतु कांकड़ आलु अदा सीझी जाइला से आम धनिया पतर देद आ गरम गरम सर्व करवा गरम भात सांगे आशा करूछि आपण माने निश्चित भावरे लाइक करिवे आ सब्सक्राइब करिवे। तो आज पे मैं इतिक रे रहिली पुणी आणिबे आपण मानका पई आउरी भलो भलो रेसिपी सेति पर्यंत मत विदाई दियंतु रहिली नमस्कार।